अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके नामांकन में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपचुनाव के लिए तैयार हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से कमलेश शाह ने मंगलवार को नाम निर्देशन पत्र जमा किया। सीएम मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाया। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि अमरवाड़ा की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। हमने सबसे पहले उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अमरवाड़ा के विकास के लिए कमलेश शाह ने भाजपा का दामन थामा है। मेरे साथ श्रीमान भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह जी, हमारी नेत्री मोनिका भट्टी जी, यहाँ के सांसद श्री बंटू साहू जी, हम सब ने मिलकर के फॉर्म भराया और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमने अपने प्रत्याशी का सबसे पहले चयन किया है और लोकसभा पहली बार ये छिंदवाड़ा 1,00,000 से ऊपर आज़ादी के बाद ये मौका आया है। मैं छिंदवाड़ा की जनता का आभार भी मानता हूँ और ये उसमें बड़ी भूमिका हमारी अमरपाटन क्षेत्र की थी, अमरवाड़ा क्षेत्र की थी। अमरवाड़ा के सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उपचुनाव हुआ है, कमलेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, क्षेत्र के विकास के लिए हमने कृत संकल्प किया है कि ये किसी हालत में विकास के सारे दायरों पे जो जो सोचेगी जनता हम पूरा करेंगे। मेरी अपनी ओर से सबसे हमारे प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करते हुए अपना आश्वासन मांग किया और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का विजय रथ जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।